हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आपके रिश्ते के लिए अगले 24 घंटे कैसे रहेंगे, आपकी एनर्जी अपने पर्सन को लेकर एंड आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या रहेगी अगले 24 घंटे के अंदर अंदर। आइए जानते हैं, इस शफल डेक से हम लेंगे कुछ कार्ड्स, जो लूंगी मैं पहले आपके लिए एंड लेंगे फिर आपके पर्सन के लिए। आपकी तरफ फर्स्ट कार्ड है हमारे पास नंबर 44 एंड वाव, यहाँ पर भी 44 है और यहाँ पर भी 1+3 नंबर 4, 444 की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि आज के दिन में आप अपने पार्टनर पर बहुत ज्यादा नजरें बना के रखेंगे, स्टॉक करेंगे पूरी तरीके से, सोशल मीडिया पीछे से बिल्कुल स्टार्टिंग से पार्टनर का चेक कर लेना, पार्टनर को लेकर बार बार सोचना, जैसे आपका सारा ध्यान अपने पर्सन की तरफ जा रहा है, बार बार जा रहा है, पार्टनर के ऊपर नजरें गड़ा के बिल्कुल फोकस बनाने की एनर्जी है कि कहीं क्या कमी है, पार्टनर किसी और के साथ तो नहीं है, किसी और के साथ है तो आपको लेकर क्या अपडेट्स हैं, कहीं कोई ऐसी क्लैरिटी कि पता चले कि आपको लेकर आज भी सोचते हैं, सीरियस हैं, बहुत ज्यादा कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन पार्टनर की तरफ एक अलग एनर्जी, मैग्नेटिक पुल आपको फील होगा। हो सकता है कि आज के दिन में आपको मिस करें, मैनिफेस्ट करें, जिसकी वजह से आप भी पूरे पूरे दिन इनके ही बारे में सोच सकते हैं। आपके पर्सन की तरफ देखते हैं, आया है नंबर 21 विद नंबर 33। सबसे पहले तो कुछ लोगों को अपने पार्टनर की तरफ से कोई जेस्चर रिसीव हो सकता है, कॉल या मैसेज रिसीव हो सकता है आपसे, फाइनली ये आज के दिन में ओपन अप हो सकते हैं, ये कोई क्लैरिटी आपको दे सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर तो बहुत ज्यादा माउंटेन जैसे, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, डोमिनेटिंग, स्टबर्न बिहेव कर सकते हैं, जटिल होने की एनर्जी है इस रिश्ते को लेकर, कोल्ड इमोशंस रहेंगे आपको लेकर। आप बेशक स्पाई करें, कुछ भी करें, लेकिन ये आपकी तरफ कोई भी एनर्जी नहीं देंगे, कुछ भी ऐसा नहीं शो करेंगे जिससे आपको ऐसा लगे कि ये आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी मेंटेन करने की एनर्जी है। हाँ, ये छुप छुपा के आपको स्पाई कर सकते हैं एक आधा बार, लेकिन ये आपकी तरफ कोई भी ऐसा हिंट नहीं देने वाले हैं। इनकी तरफ से और एक कार्ड है नंबर 22 का। आपके पर्सन, कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। हमारे पास नंबर 22 है, 33 है, 44 भी है। आपके रिश्ते में नजर आता है कि आपके पर्सन का सोल असेंशन हो, आपके पार्टनर को अचानक से किसी घटना के जरिए, किसी सिचुएशन पे क्लैरिटी मिल सकती है इस रिश्ते में आपके साथ आगे बढ़ने से रिलेटेड, whether they want to continue or whether they want to release this connection। एक बार वो जो last chance होता है ना, उसकी vibes आ रही है यहाँ पे कि जैसे इस रिश्ते में कुछ healing हो, ये divine अपनी तरफ से कोई ऐसी situation पे clarity दे जिसकी वजह से ये आपकी तरफ reach out नहीं कर रहे थे। आपकी तरफ और एक card लेते हैं, आया है 15 number, 6 of cups की vibes है यहाँ पे। आप अपने partner को लेकर आज के दिन में काफी ज्यादा रो सकते हैं, miss कर सकते हैं, past की memories में बहुत ज्यादा घूम सकते हैं, ऐसा समय था जब हम साथ थे, ऐसी दोस्ती थी, ऐसे बात करते थे, ये होता था, वो होता था, पास्ट की एनर्जीज पर शोक मनाने की एनर्जी है। जैसे पास्ट को आप जिएंगे आज के दिन में, ध्यान रखिएगा, ऐसे ही समय में इंसान बहुत ज्यादा नेगेटिविटीज को मैनिफेस्ट कर लेता है। आप बहुत ज्यादा मिस करेंगे अपने पार्टनर के साथ पुराने टाइम को, आपके पर्सन को लेकर आप बहुत ज्यादा दूसरों से डिस्कस कर सकते हैं, रो रो के अपनी आप बीती सुना सकते हैं कि भाई मेरे साथ ये चल रहा है, तुम्हें कुछ पता भी है, इतना टाइम हो गया, हम ऐसे थे वैसे थे, मतलब आप परेशान रहेंगे आज के दिन में, आपकी एनर्जी हैवी है, जबकि आपके पार्टनर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से कोई क्लैरिटी पर्सन को मिले, थॉट प्रोसेस बदले, आपके पार्टनर का व्यवहार बदले, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं इतना, क्यों इतना स्टॉक करना है, इनर वर्क कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। सो गाइज, ये थी आपके लव रिलेशनशिप की कमिंग 24 आवर्स तक की एनर्जी। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।